एक बड़ा जहरीला सांप तो थोड़ी दिन बाद थोड़ा दर्द कम होता है। आपको कोई भी उसकी परेशानी सुने तो ये उसका प्रॉब्लम है। दोस्तों खैरियत कैसे है आप सब। वेलकम बैक अनम खास यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों एक बार क्या होता है, कसाई के घर में चूहा बिल्ली बना के रहता है। वो कसाई और उसकी बीवी उन दोनों बाजार से एक बैग में सामान लाते हैं। चूहा वो बैग को देख के खुश होता है, जरूर कुछ ना कुछ मीठी चीज खाने के लिए लाए होंगे। लेकिन उस बैग में से वो लोग चूहेदानी निकालते हैं। चूहे का स्टैंड, चूहा डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। तो उसी घर में कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा भी रहता है। चूहा कबूतर के पास जाके बोलता है, कबूतर भाई गड़बड़ हो गई, वो कसाई चूहेदानी लाया मेरे को मारने। तो कबूतर बोलता है, ये तो तेरी प्रॉब्लम है, इससे मुझे क्या, जा भाई जा बोलता है। तो चूहा मुर्गे के पास जाता है, मुर्गे को बोलता है, मुर्गा हंसते हुए बोलता है, ये तो तेरा मसला है, इससे मुझे क्या। तो चूहा बकरे के पास जाता है, चूहा बकरे को बोलता है, कसाई मैं को मारने के लिए चूहेदानी लाया। बकरा लौट लौट के हंसता है, ये तेरी परेशानी है, इससे मैं क्या करना, बोल के मजाक उड़ा के हंसता है। तो रात को वो कसाई और उसकी बीवी चूहे की बीवी में स्टैंड लगा के सो जाते हैं। तो आधी रात को आवाज आती है, एक बड़ा जहरीला सांप चूहे की बील में आता है। कसाई की बीवी उस बील में हाथ डालती है, कसाई की बीवी को सांप काटता है। तो उसे एक हकीम के पास लेके जाते हैं। तो हकीम बोलता है, उसे कबूतर का सूप पिलाओ तो जहर उतर जाएगा। कबूतर को काट के सूप बना के पिलाते। तो थोड़ी दिन बाद थोड़ा दर्द कम होता है। तो उसके मेहमान देखने आते हैं। तो मुर्गे को काट के खाना खिला देते उन लोग। पूरा दर्द कम हो जाता और ज्यादा लोग देखने आते हैं। अब बकरे की बारी आती, बकरा काट के दावत करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सबक ये हासिल होता है कि आपको कोई भी उसकी परेशानी सुने तो आप लोग इसका प्रॉब्लम है बोल के लाइट नहीं लेना। आपसे जो हो सका उन लोगों की मदद करना, तो अल्लाह आपकी मदद करते। हम दूसरों की मदद करें तो अल्लाह अपनी मदद करते। कोई भी आपके सामने परेशानी सुने तो ये उसका प्रॉब्लम है बोल के लाइट नक्को लो। आपसे जो हो सका वो मदद करो, इसमें आपकी भी भलाई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।